कितने रुपए का चाय है? अच्छा दस दस वाला है। पेंट्री से आए तो ले लेना, मतलब पेंट्री से आए ले लेना, ऐसा मैंने अपना बॉक्स चढ़ाया है खुद का। सर आपका बॉक्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये 120 का थाली बेच रहे हैं और जो भाई साहब ये जा रहे हैं ये बोल रहे थे कि ये तुम लोग जूतिए होगा नहीं, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं। आप जाओ, आप देखिए अभी आपने अलग से चढ़ाया था ना पानी। अरे अलग से क्या चढ़ाया? अरे भाई रिकॉर्ड बोलो तो मैं दिखा दूँ। अरे मारने का नहीं। तो जैन दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेवल ऑल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। सो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12484 अमृतसर कोची वाली वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में रविवार को अमृतसर से चलती है सुबह 5:55 पे और 3292 किलोमीटर का सफर 54 घंटे 35 मिनट में 25 हर्ट्ज के साथ कवर करती है और पहुंचाती है मंगलवार को यानी एक दिन बाद दोपहर 12:30 पे कोचीवली को। सो आज की हमारी जर्नी होगी बड़ोदरा से मडगांव के बीच। तो आज का हमारा सफर होगा दोस्तों जनरल कोच में और देखेंगे कि इस रूट पे कैसा अनुभव होता है हमारा, कैसी फीलिंग आती है जनरल कोच में सफर करके। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, लगभग 2.25 घंटे की देरी से जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है आ रही है। तो यहाँ पे भाई इसका 8 मिनट का हॉल्ट है, ठीक है, स्टॉपेज ही 8 मिनट का है। तो चले चलते देखते हैं भाई, भीड़ तो काफ़ी खचाखच है, ठीक है। तो चले सबसे पहले सीट का भीड़ देखते हैं कौन सी कोच में नहीं है पहले, बाकी उतरने वालों की संख्या इसमें ठीक लग रहा है यार। तो क्या जगह मिलेगा वेट एंड वॉच, मुझे नहीं लगता, आगे बढ़ लेते हैं है ना। चले फ्रेंड फटाफट से पहले सीट देख लेते हैं उसके बाद जो है आगे की बात करते हैं। यात्री के विद्यार्थी गाड़ी संख्या 19037 तो भाई फाइनली हमें जो क्या मिल गई गेट पे, अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा शायद दिख भी रहा आपको, देखो सारा खचाखच भरा हुआ है। अब यहाँ से सीधे सूरत, फिर वसाई रोड, देन आगे का। तो चलिए जैसे जैसे थोड़ा सीट पहले मिल जाए है ना, उसके बाद आगे की बात करते हैं। फिलहाल सीट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि भाई लोग देखो पीछे भी बैठे पड़े, ये देखो है ना। भाई हमने कंप्लेन किया हुआ है दो चीज़ के लिए, पहला तो टॉयलेट और वाटर बेसिन, दोनों ही बहुत ज़्यादा कचरा है बता नहीं सकते। दूसरा इसमें चार्जिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है इस वाले कोच में। देखते हैं यार कि रेल मदद खाली स्लीपर और एसी के लिए है या जनरल के लिए भी। फिलहाल अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुका है और अदरवाइज 139 पे जो है हम चल रहे हैं कॉल करने है ना, एक बार और रिमाइंड करा दें। भाई सुबह के बज चुके हैं 5:34 टाइम देखिए, और चार्जिंग सॉकेट अभी तक काम नहीं कर रहा है। कंप्लेन किया हुआ है मैंने यहाँ पे और आपको मैं इधर दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए अगर ध्यान से आपको दिखे तो इसमें लिखा हुआ है ना कि 11 से लेके 5 बजे तक चार्जिंग सॉकेट काम नहीं करता है, 5:35 पर चार्जिंग सॉकेट अगेन काम नहीं कर रहा अभी भी। Thank you.
भीड़ देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ आपको जो है देखने को मिल रहा है वापी स्टेशन पे। इंजीनियर लोग सही करके बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। हो गया सर, चलिए देखो आ जाओ चाय पीते हैं, पिलाओ भैया हमें भी। कैसे है चाय, कितने रुपए का चाय है? अच्छा दस, दस वाला है ये दस वाला ही है पक्का ना? ओवर प्राइस तो नहीं है? ओवर प्राइस तो ना है ना? हाँ एक चाय दीजिए। अरे चाय 10 रुपये का कहाँ आता है दोस्त, 10 रुपये का चाय कहाँ आता है? आप बताओ, तुम बता कितने का आता है? आप बताइए ना, आप बोल रहे हैं ना ओवर प्राइस। कितने का आता है? 5 रुपये का आता है। नहीं आता है, सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं अभी भी। आता होगा नहीं, 5 रुपये का चाय होता है। एक चाय दीजिए आप, का ले रहे हैं। आप नहीं देंगे? दे देंगे बोल तो रहा है, तो आप दीजिए ना, बोल तो रहा हूँ मैं आपको। तो भाई चाय मिल गया हमें। हमारी गाड़ी जो है लगभग 2.25 घंटे की देरी वो बरकरार रखा है, 2.25 घंटे, उसमें कोई भी जो है कवरिंग नहीं की जा रही है। 2.25 घंटे की देरी से वसई रोड जो है पहुंच रही है, और मुंबई की भीड़ जो कि सभी को पता है बहुत ज़्यादा ही होता है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं वसई रोड, जिसका स्टेशन कोड है BSR, और यहाँ पर इस ट्रेन की 5 मिनट का स्टॉपेज है। बात की जाए टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी कुल 120 ट्रेनें आके रुकती हैं। बात की जाए यहाँ पे अभी टोटल कितने ट्रेनें बन के चलती हैं उसकी संख्या है 7, और यहाँ पे आके टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की संख्या भी है 7। बड़ा पाव लिए हुए हमने, 30 रुपीस का 2 सॉफ्ट तो है। बात तो जबरदस्त है, ये बात तो है। चलिए फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। ये है वॉशरूम भाई साहब, पूरा सामान ठेला ठेल, और ये वेस्टर्न स्टाइल है।
10 बॉक्स स्टेशन से चढ़ाया, 10 बोतल चढ़ाया। आप पेंट्री में नहीं हो? 10 बॉक्स चढ़ाया। आप पेंट्री में हो नहीं हो? उधर भरा है पूरा। आप पेंट्री में हो नहीं हो? फिर क्या बोल रहे हैं, पेंट्री से आए तो ले लेना, मतलब पेंट्री से आए ले लेना, ऐसा नहीं। अपना बॉक्स चढ़ाया है खुद का। सर आपका बॉक्स क्या होता है? बाबू का बॉक्स चढ़ाया पूरा, ये मान लो। ये कौन सा बॉक्स होता है? बाबू का बॉक्स चढ़ाया। नहीं, आपका अलग से बॉक्स होता है? अलग से बॉक्स चढ़ाया मैंने। IRCTC से हटके है आपका, मतलब कैटरिंग से हटके है आपका? हाँ, कैटरिंग से हटके। अच्छा जी, उधर से मैं बॉक्स लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। प्रगति एक्सप्रेस तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है 3 घंटे की देरी के साथ पनवेल, जहाँ पे इसका स्टॉपेज है 5 मिनट का। टोटल नंबर आप प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो है 7 और स्टेशन कोड है PNBL। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक रूट जो है थाने के लिए और एक रूट जो है चौक होते हुए लूनावाला के लिए निकलता है। वहाँ से फिर जयपुर का रूट जो है, ट्रैक जो है चेंज हो जाता है। दिया हुआ है लंच का, लेकिन आप देखो टाइम, देखो 1:06 हो चुका है, लेकिन अभी तक लंच आया नहीं है और 120 रुपये मांग रहे थे। फिलहाल तो अभी कोई नहीं, फिलहाल तो अभी लेते हैं, बाकी बिल मांगेंगे इनसे, है ना। भाई अभी जो है खाना ऑर्डर किया था, खाना आ गया है, देखते हैं कितना मांगते हैं। दिया आया खाना, तीसरा खाना इधर है आपका, है ना। हाँ, क्या क्या है इसमें? इसमें शिमला पनीर की सब्जी है, दाल फ्राई है, जीरा आलू है, रायसा चपाती है। चलो भैया, 3 जो है खाना दिए हैं। चलिए खाना टेस्ट करते हैं, पहले खाना टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। रेलवे खाना 80 वाला, जीरा आलू दाल फ्राई चावल। क्या क्या है रेलवे का खाना? जीरा आलू दाल फ्राई चावल रोटी 80 रुपया, पनीर का सब्जी नहीं मिलता। अच्छा, उसमें दही है उसमें? हाँ, रेलवे दही नहीं देता? दही देता है रेलवे? हाँ या ना? अरे सर, कल की बात बता रहा हूँ, दही देता है हाँ या ना? कोरोना का पहले का क्या है, अभी दही देता है हाँ या ना? मिला नहीं। ठीक है, आप कोई बात नहीं, पेंट्री में आकर मिलते हैं मैनेजर से, आप जाइए।
कल भी मिले थे ना बाकी। हाँ कल भी मिले थे ना बिरयानी की भी। कहाँ बिरयानी खाया मैं? खाया नहीं ना, कल भी मिले थे ना मैनेजर साहब। अरे भाई रात में चढ़ा हूँ, कैसे मैनेजर से मिल गया मैं? हाँ आप मैनेजर को, मैं खुद ही आ रहा हूँ मैनेजर को, या तो आप भेज दें। भाई ये कह रहे हैं कोविड से पहले दही मिलता था, अब नहीं मिलता है। खाना तो बात ऐसा है कि ये कह रहे हैं 130 का थाली है, जो RCTC से नहीं है, 120 का, 120 का पनीर के साथ, पनीर के साथ दही नहीं देंगे, दही अलाउ नहीं है, है ना। कोविड से पहले चलता था, अभी नहीं चलता है। और दूसरा ये खाना IRCTC से नहीं, इनका अपना है, मतलब जो भी वेंडर होगा उनका है ना भैया, यही बोल रहे हो ना आप? नहीं अपना। तो फिर अभी तो बोल रहे हैं IRCTC का नहीं है, अभी तो आप बोले हैं IRCTC में नहीं है, ये बोले मैंने कहा रेलवे का खाना है। तो रेलवे का ही खाना तो 80 वाला भी होता। तो दही क्यों नहीं, दही तो लाइए। दही होता है, आप दही लेके आइए। भाई इसमें सूखी सब्जी, ये 120 रुपये की थाली है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जीरा राइस है, जीरा अपने घर पे है इनके। जीरा कहाँ भैया? अभी तो बोल रहे थे जीरा राइस है। जीरा आलू बोला? जीरा आलू बोला। अच्छा चलिए हो सकता है, बाय मिस्टेक, ठीक है ठीक है। और आपका दाल और ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी 120 का, ये हमें बिल देंगे अभी। और प्लस कर्ड भी चाहिए, दही के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, दही के बिना तो खाना अधूरा है कि नहीं। देखिए ये रोटी है, आधा कच्चा ये रोटी दे रखा है ना, 120 रुपये के थाली दे रही है। रोटी में जैसे लग रहा है ना भारत का नक्शा ये निकाल नहीं पाए। ये देखिए ये दूसरी रोटी, ठीक है, और ये तीसरी रोटी, रोटी देख लीजिए। ये रोटी है 120 रुपये की थाली। लेकिन रोटी को देख के ना मजा नहीं आया भाई, रोटी जैसे लग रहा है कि सारा जेल में हमें, बाकी कोई बात नहीं है। तो ऐसे खाना बनेगा 120 रुपए का? आप भरोसा कीजिए, वापस आए तो फिर बोलिएगा, ठीक है। खाना फिनिश करते हैं, मुझे स्वाद नहीं लग रहा फिलहाल। सब्जी में हम क्या ये चम्मच दिए तो मैं आपको दाल, ठीक है, ठीकनेस भी ठीक है, सब्जी में थोड़ा नमक कम है। बात रही रोटी की, तो रोटी ये गलत है भाई, चार रोटी होता है, ऊपर से जो है कच्चा कच्चा रोटी ला के दे दिया इनने। तो भाई अब बात की जाए खाने की, देखो खाना तो ठीक ठाक था, रोटी थोड़ा थोड़ा क्या, एक रोटी मैंने फेंक दिया, कच्चा था पूरा, है ना, पका हुआ सही से नहीं था। तो लेकिन बिल मांगा है मैंने 120 का जो है, बोल रहे हैं, मैंने दही बोला तो बढ़िया एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोविड से पहले चला करता था दही का, अभी दही बंद हो गया है। आपको भी पता ऐसा कुछ है नहीं, हमारा तो रोज का काम है। तो फिलहाल मैंने बोला है बिल लेके आएंगे और दही साथ में लाएंगे तो ही होगा, और वो भी 120 का थाली तो होता नहीं है, है ना। तो बिल देंगे तो पेमेंट होगा, अदरवाइज बताइए। तो भाई अभी ये क्या कर रहे हैं, अलग से बिल बना रहे हैं, 80 का थाली का अलग, 40 का पनीर अलग, जबकि ऐसा होता नहीं है। 120 का बिल दीजिए और लेके जाइए, अदरवाइज़ मैं फिर आपके खिलाफ़ जो IRCTC में कंप्लेंट कर दूंगा, सीधी सी बातें हैं। चलते हैं पेंट्री कार में। तो भैया अभी पेंट्री में आ गए, तो चलिए आ चुके हम पेंट्री में। कौन है मैनेजर आपका? आप है? ये जो बिल दिया दिखाई सर, इन्हें हमको बोला 120 का है, 80 का खाना अलग आता है, है ना, ये 40 का पनीर अलग से कैसे, फिर 120 का बिल दीजिए ना, ये पनीर अलग, इसका क्या मतलब है? क्या रेलवे अप्रूवल है इसका? किसका? इसी का? ये स्पेशल सब्जी है सर, स्पेशल सब्जी हमने ऑर्डर नहीं करा था। आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप नहीं लेते सर इसको? क्या ये सब्जी आप स्पेशल लेके ऑर्डर नहीं दिया हमें? क्या पता आप स्पेशल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? लड़के ने बताया ना ही, आपके ना ही आपके कोई किसी लड़के ने नहीं बोला कि 80 का थाली भी है इसमें, 120 का थाली पूछिए। भाई तो सिंपल सी बात है, ये 120 का थाली बेच रहे हैं, और जो भाई साहब ये जा रहे हैं ये बोल रहे थे कि ये उसका नहीं, IRCTC का नहीं है, रेलवे का, अलग से इसका व्यवस्था है। तो व्यवस्था देखिए अलग है, बाकी मैं अभी ट्वीट कर देता हूँ इसका, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, चूँकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, डोंट कैटर, ठीक है।
ठीक है, बाकी बातें करते हैं अभी। बुलाइए सर। मैं सर को बताया नहीं था तुमने, आपने अस्सी के थाली का जिक्र करा था, अस्सी के थाली का जिक्र करा था। ये जो बिल दिखा रहे ना आप, ये क्या बोल रहे थे? एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, सरकारी बात सुन लीजिए पहले। आपने क्या बोला, कोविड से पहले दही का ऑप्शन था IRCTC ने बंद कर दिया। आप बोल रहे सबसे पुराना मैं ही स्टाफ हूँ इधर का, ये पुराना स्टाफ है, जरा इनको गौर फरमाइएगा। IRCTC से मैं अभी कंप्लेन करता हूँ आपके खिलाफ, ये सबसे पुराने हैं और आप इस तरीके की बात करते हैं। वो तुम लोग जूदिए होगा, नहीं जो तुम्हें बात करने का तरीका नहीं। आप जाओ, आप देखिए अब्यूज लैंग्वेज मत यूज कीजिए। नहीं नहीं, बात देखो समझाना, मेरी बात समझो। ये जो है ये बोल रहे हैं कि ये सबसे पुराने हैं और दही का ऑप्शन नहीं है। क्यों आप 120 का थाली लेंगे? किसी के पास नहीं होगा, भूखा मरेगा। आप बताओ पहले, आपने 80 का जिक्र करा नहीं करा ना, फिर अभी आप क्यों बोल रहे हो? फिर अभी आप क्यों बोल रहे हो 120 का? 80 का मैंने जिक्र करा था, ऑन रिकॉर्ड होता है हमारी चीजें। मैंने बोला नहीं, मैंने अभी तक, आप भरोसा करो। इसी ट्रेन में हमारे यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम हो रही है 5 कंप्लेन कर चुका हूँ मैं, बार बार इलेक्ट्रीशियन दौड़ के जा रहा है, अगर नहीं है पूछ लो अभी। मुझे आपके खिलाफ ना करना पड़े दोस्त, सभी नौकरी करने वाले हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि भूखे के पेट पे लात ना मारो, किसी कोई भूखा हो ना। आपके वजह से बंदा 120 की थाली सुन के छोड़ गए, समझ में आ रहा है? तो ऐसी कोई वो ना करो। और जहाँ तक बात रही इसकी, ठीक है, आप मुझे जेन्युइन दीजिए 120 का बिल। सर हम दे देते 120 की कोई थाली नहीं है रेलवे की, रेलवे की 80 की है, 120 की है ये बिल। कहाँ से 120? 40 की मैंने सब्जी मांगी नहीं, रोटी आपका कच्चा था, आप थे, आप चलो मेरे उसमें, रोटी कच्चा था आपका, एकदम पतला रोटी कच्चा था। क्या रोटी आप नहीं पकाते यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, सब रोटी चपाती है। हाँ, रोटी चपाती सारे बाहर से आते हैं, लेकिन और दूसरा जो नंबर आपने दिया, आप किसका नंबर पकड़ा है? अरे गुरु, इनका नंबर मिला, फोन मिला है किसी और ने उठाया, बोला रॉन्ग नंबर मिला रहा है। भाई मैं अभी मिलाया था, अभी पूछिए इनका नंबर। यार दोस्त देखो ना, मैं मिला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, और कैमरा होता है ना सारी पूछे। ये नंबर आपने दिया था ना, 7000460871। देखिए देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अभी मेरी बात हुई है, दिख रहा है यहाँ पे भाई, उनने ये बोला है, आपने आपने उठाया था फोन अभी? आप देखिए जो भी हो, ठीक है कोई नहीं, आप इसका बिल वो कर दीजिए, ठीक है ना, 120 का हम दे देते हैं 120 आपको। जब तुम्हें बोलेगा कि बता के हमेशा ऑर्डर लिया था, स्पेशल सब्जी जो लेता है उनको दो, नहीं लेता 80 रुपये का खाना है, 80 का खाना बताओ सर। स्पेशल सब्जी की जहाँ तक बात करें ना, स्पेशल सब्जी का जिक्र भी हो ना स्पेशल, तो बात बने। जब स्पेशल का जिक्र ही नहीं हुआ, वो थाली का 120 का जिक्र हो रहा है, तो फिर ये थाली अलग से पनीर कहाँ से आ गया? थाली का 80 रुपये की है। तो फिर ये चौधरी बन के हमारे पास आया और कह रहे हैं चलो मैनेजर से मिलते हैं। नहीं, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी गलती नहीं, गलती उनकी है। गलती इनकी बता रहे सर, आपकी नहीं बता रहे। इतना गुस्सा आ गया तुम लोगों पर, ये बताते आपकी इच्छा होती तो लेते, नहीं लेते। नहीं, आपकी गलती बिल्कुल नहीं, आप आए बहुत बढ़िया रहे। और हमारा काम जो है ना, मैं रेल फैन ब्लॉगर हूँ, मेरा काम है ये। नहीं सर, ठीक है ना, मैं एक ट्रेन से सफर नहीं करता हूँ सर, मुझे पता है कौन सा रेट कहाँ पे चल रहे हैं। अरे आप सर पता चाहिए सर, लोग आप लोग कागज अभी मिलेगा सर, आप लोगों को कहाँ से मिलेगा आप बताओ। तुम्हें बताने में क्या तकलीफ है? जब तुमसे बोलते तो बताते क्यों नहीं यार? बता के ले, क्लियर बता से ही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, खाना लेके जा रहे हैं, क्या बोल रहा है, हैं वो बेस्ट कर रहा, अरे जिंदा में गया था ऑर्डर लेने, ज्यादा मत चलाने की जरूरत नहीं, बात कर रहा है तो उसके जवाब काम हो तो काम कर लेगा, ठीक है। आज की बात बोलने की जरूरत नहीं, भगवान के रूप में रहते हैं ये लोग, ठीक है, जो पैसे रहते हैं भगवान रहता है, कोई खाए जब ही तो मिलेगा, 500 का जब दो नहीं गाने तो पैसा मिलेगा। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी चीज़ें ये बिल विल है, ये सब का सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है इसका। ये भाई आप हमारे साथ है ना, 120 का बिल बोल दिया, कहाँ गए भैया? ये भाई है, अब आ जाओ इधर से। ये भाई से 120 लिया आपने, बिल जाके दिया, बिल दिखाइए, ये बिल जेन्युइन है। आप बताओ मुझे, देखो मुझे कंप्लेन करने पे ना यार विवश ना करो, मैं कंप्लेन के साथ ट्वीट भी मारूंगा अलग से।
नहीं आप पैसे वापस करिए, गलत है। आप पैसे गलत, वापस क्यों नहीं दिए? गलत वे में कर रहे हो आप लोग। नहीं इनसे इनसे लिया ना, इनका पहले वापस करो आप। 40 रुपए दे वापस फटाफट। जब इतना बोल रहे उसने बोलने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आता है। और आप हमें 120 का बिल देंगे इसका, जो गलत है। माफ कीजिएगा सर, ये क्या है ना, मैं तंग आ चुका हूँ भाई। बात ठीक है छोटे भाई का, ठीक है ना, लेकिन जब आप लोग वहाँ जाते हो ना तो कस्टमर को छोटा भाई बड़ा भाई नहीं मानते आप। आई अंडरस्टूड सर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं विवश हूँ अभी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ठीक है ना। मैं जानबूझ के जनरल में सफर कर रहा हूँ मेरा इस रूट पे, ठीक है ना। कोई मकसद नहीं था मुझे इस जनरल में सफर करने का, वो बराबर है, ठीक है ना। लेकिन आप छोटे भाई कर रहे हैं ना, जो जाता वो छोटे भाई नहीं समझता है भाई, ठीक है ना। आप भरोसा कीजिए, छोटा भाई नहीं समझता। चार थाली जिस बंदे को लेना था वो चार थाली कैंसिल हो गया केवल 120 के दाम पे। 40 रुपये वापस दे दिए सर का। 40 रुपये वापस भाई, इनके 40 हमने वापस करा दिए। थैंक यू भाई, चलिए रुके साथ में चलते हैं। आप 120 का बिल हमारे सीट पे भिजवा दीजिएगा। छोटा भाई तो मैं क्या करूँ अभी, मैं जाऊँगा थोड़ी गुजारिश। अगर यही छोटे भाई थोड़ा ये गुजारिश करके ये जो बन के आ रहे थे, आप इनको जरा बोल लेते, समझा के भेज लेते थोड़ा सा, कि अगर कहीं पे 80 की हो तो दे जाना। नहीं तो हमने नहीं, नहीं, आपका सर बोला ना सर, आपका एक शब्द जो आपने बोला ना, कोविड से पहले मिलता था, 120 का बोला ना थाली, आपने बोला ना। हाँ, और ये रेलवे का नहीं है, रेलवे के बाहर का है, आपने ये शब्द बोला था, नहीं यूज किया था। शांत हो जाओ, जो गलती है उसको माफी मांगी जाती, ठीक है। नहीं लगाने की वजह की बात उतार ढोरा निकल जाओ, ठीक है। भिजवा दीजिए 120 का बिल, बाकी हम पे कर देते हैं सर आपको। देखिए बिल्कुल सही बात है, देखिए हम एक चीज बताएं आपको। हाँ, आप बताओ ठीक है, ये सभी ट्रेन का हाल है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हर एक ट्रेन का है, ऐसी बात नहीं है सर। आप जो बताओ तभी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम सकते। कोई बात नहीं, हमको आपसे जो है 80 का खाना है और पनीर अलग से मिल ले तो बोलो। हाँ वो ये बोलता तो फिर वो एक जेन्युइन चीज, लेकिन इसने थाली 120 बोला है, 80 का तो जिक्र भी नहीं करा, जिक्र भी नहीं किया, कहले पूरी इंक्लूड जो भी है थाली 120 की है। एक गलत बोला, ये कुछ बता रहे हैं आप, समझ लो आप, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ ज्यादा दे रहे हैं। हाँ भैया आ गए, आइए भैया, आपका भी स्वागत है। आइए आइए आइए, जरा जरा इनसे मिलिए भाई। क्या हुआ? ये भाई पानी बेच रहे थे और इनको अलग से पानी चढ़ाने का हिसाब दिया गया है स्टेशन से। खैर ये तो अच्छा ही था कि इनने पैसे वापस कर दिए, लेकिन ये भाई भी बोल रहे थे कि हमें अलग से सुविधा दी गई, मतलब कि पेंट्री में पानी है नहीं, है ना। अरे पानी बागा ना, जाओ तो आपने अलग से चढ़ाया था ना पानी। अरे अलग से क्या चढ़ाया? अरे भाई रिकॉर्ड है, बोलो तो मैं दिखा दूँ। वो बदल गए यार, मेरे पास है, बोलिए ना। रिकॉर्डिंग है उसमें, इसने बोला पानी खत्म हो गया पेंट्री का। अरे मारने का नहीं सर, ऐसा कुछ भी ना करो। नहीं ठीक है, लेकिन हाथ नहीं उठाने का। देखो ये भी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है, तो इनको समझा दे, समझ में क्यों नहीं आता। लेकिन हाथ मारने का अधिकार आपको नहीं मिला है ना। नहीं नहीं, तो जहाँ आपको बढ़ाने का अधिकार नहीं है वहाँ मारने का भी अधिकार नहीं है, नौकरी कर रहे हैं वो यार। तो क्या समझा, समझ तो ठीक है, लेकिन मार के नहीं कर सकते ना। ये कह रहा गाड़ी 3 घंटे लेट है, पानी पनवेल में चढ़ेगा और जो रास्ते में पानी खत्म हो चुका, पानी है नहीं, यहाँ मैं अपना खुद का परचेज करके सेल कर रहा हूँ, देख लो पानी चढ़ा के। क्या बता रही है, स्टेशन से मैं खुद का चढ़ा रहा हूँ। आप लोग नहीं आते हमें मालूम पड़ती थी बात का, आप लोग बता रहे तभी मालूम पड़ रही थी, ऐसा बोल रहे तमीज नहीं है बोल रही। चलिए ठीक है, आप इसको भिजवा दीजिएगा भैया सीट पे, है ना, हम सीट पे हैं, देखो तो कोई दिक्कत ना, नंबर ले लो, मैं इधर ही मडगांव तक हूँ मैं, ये मैं बता दूँ पहले, देखो मडगांव तक हूँ, जरूरत नहीं है, यही काम निपटा दो, हम खत्म। बताइए क्या निपटाना है, कैसे निपटाना है, बताइए उधर खुद खुद ही निपटा लो।
क्या निपटाना है? देखो गलती तो करी इनने, सर गलती करी, समझ लो वो कर समझ लो बस, बात तो उसकी नहीं है। हमने सीधा से बोला था, खाना लेने के बाद ही मैंने आपको बोल दिया था ना बिल चाहिए, बोला था ना बस बिल ला के दे दिए, बिल माने नहीं है, मुझे प्रिंटेड बिल चाहिए। 120 सर कहाँ, अरे 80 कैसे, 120 का बिल आप इनसे करो, जो नहीं पटना आप इनसे निपटो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, बट 120 का ही बिल चाहिए। खाना भाई पनीर दिया यार, ऐसे कैसे 40 का अलग से दाम, छोटे भाई ने बड़े भाई की तरफ तो ठीक है, यहाँ छोटे भाई बड़े भाई का ठीक है, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि जिस परिस्थिति में आप लोग खाना खिला रहे हैं ये उचित नहीं है। परिस्थिति कोई परिस्थिति नहीं, सब परिस्थिति खराब है यार, बताओ ना क्या अच्छा है आपका। हाँ जहाँ जनरल में खाने वाला बाहर से खा रहा है 80 रुपये का, आपका 120 रुपये बोल के रेलवे का घाटा करा रहा है, आप अपने फायदे के चक्कर में रेलवे का घाटा करा रहे हो, जिम्मेदार कौन? वही आपकी, अगर 80 की रहेगी थाली वहाँ जहाँ 10 लग रही वहाँ 20 लगेगी ना, सेल बढ़ेगी, 80 में ज़्यादा लगेगी। जब खाने वाले थे तो हमारे सीट पे 10 जना थे, लेकिन 120 का दाम सुनते के साथ ही सबसे पहले अपने स्टाफ को समझाओ, सबको इकट्ठा करो, समझाओ यहाँ पे बोले कैसे सर्विस करनी है, क्या करना है, उसके बाद गाड़ी सर्विस करवाओ, समझ रहे हो, पूरा स्टाफ इकट्ठा करो पहले, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो ठीक है सर, देखिए जहाँ तक हमको था हम वहाँ तक थे, मैं जनरल से चढ़ के आ रहा हूँ इधर, कोई बात नहीं सर, ठीक है ना, गलती करते ही वो मानना है आपकी, हम बात मानते नहीं तो वो बात आती है, ठीक है आप नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊँ, आप भी समझो थोड़े, एक ट्रेन सुनिए मेरी बात समझिए, आप शायद आपकी ट्रेन की जो रूटिंग है वो चेंज होती होगी हफ्ते में, मेरा रोज का काम है, नहीं आपकी बात ठीक है, देखो बराबर ना, देखो अभी मेरा रोज का काम है, और ऐसे ऐसे हजार मिलते हैं हमें, और हजार मैनेजर भी सेम यही वर्ड बोलते हैं, सेम यही वर्ड, छोटे भाई हैं मान जाइए, थोड़ा सा वो कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ऐसा, लेकिन कितनों को हम रोक के रखेंगे, मैनेजर के पास आएगा, मैनेजर तो अपनी जो रेट बता रहा है हिसाब से हिसाब ले रहा है, अच्छा वो तो वही बात बोलेगा ना भाई, लेकिन सीट पे जाने, सीट पे जाने के साथ तो चौधरी बन जाते हैं ना, नहीं देखो स्टाफ की बात, स्टाफ की, अरे भाई स्टाफ का आप एक बात बताओ, मैनेजर चल के अब खाना सर्व करेगा क्या, अरे स्टाफ को समझा रहा है तुम क्या मारपीट कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, उतार देगा उसको, ज्यादा हुआ था, अच्छा उतार देगा उसको, जिनसे जिनसे वसूल करके आया उनसे, अभी ये तो एक साथ में आ गए तो उनको दिला दिया मैंने, जो हमारे सीट पे पास बैठे हुए थे, अरे जो बंदे हैं उनको पैसे करवा दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई, आप रिटर्न कराइए, 120 का बिल दे जाइए आप सीट पे सर, उनके उनके बिल रिटर्न करवा देते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, देखिए हमने कर दिया है, बाकी जो है अगर मुझे ऐसा लगा ठीक है, बात ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कंप्लेन कर दूंगा इन लोगों के, इनके खिलाफ। तो भाई डीप चाय को छोड़ के देखना होगा मुझे कि 10 रुपये का चाय कौन सा है, दिखाइए मुझे डीप चाय, सो स्टैंडर्ड चाय 5 रुपये जो कि आप देते हैं वो खोल के, डिप चाय बोल रहे हैं, नहीं 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 नॉर्मल चाय, डिप चाय तो आपके यहाँ एक ही बंदा बेच रहा है जहाँ तक मैंने देखा है, एक ही बंदा है जो बेच रहा है, मैं अभी इधर है नहीं, वो है ना, ये चाय 5 का ही होता है ना, चलिए वो तो 10 का बेच रहे हैं, वो तो सबको आदत है, ठीक है ना। तो भाई अभी हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है रत्नागिरी, जिसका स्टेशन कोड है RN, और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए वो है 3, और अभी यहाँ पे टोटल 88 ट्रेनें आके होल्ट करती हैं, और यहाँ से बन के चलने वाली ट्रेनों की संख्या है 2, और यहाँ पे आके टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की संख्या भी है 2। और रत्नागिरी दोस्तों फेमस है हापुस आम के लिए, तभी तो खैर आम का सीजन नहीं चल रहा है ना, लेकिन कभी आप रत्नागिरी आए तो हापुस आम जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, देश विदेश में भेजा जाता है, ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आम होता है।
किलोमीटर का सफ़र 17 घंटे में कंप्लीट करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मडगांव। और दोस्तों बात की जाए ट्रेन एक्सपीरियंस की, तो जनरल में 17 घंटे का सफ़र हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पहली बार था। और दूसरी ये कि ट्रेन के अंदर की साफ़ सफाई ना के बराबर थी, माइनस में अगर रेटिंग देना हो तो देना चाहिए, या वो भी बकवास। मैंने कंप्लेन करी, कुछ भी खास उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी सुनवाई नहीं। हाँ, चार्जिंग पॉइंट, फैन, लाइट का प्रॉब्लम आया था, उस पर कंप्लेन करा, डेफिनेटली सुनवाई हो गई, एक अच्छी बात थी। और दूसरा ये दोस्तों कि आपने देखा होगा कि खाने का कैसे जो था ओवर प्राइस किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने जो है मारने की कोशिश करी अपने स्टाफ को, मैनेजर ने थप्पड़ मारने की कोशिश करी और फालतू फालतू गालियाँ देने लगा, तो वो तो आपने देखा ही है। दोस्तों ये थी हमारी जर्नी और आशा करते हैं कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। हमें पेंट्री वालों ने बिल नहीं दिया, 120 का थाली बोल रहे थे, बिल नहीं दिया, इसकी वजह से हमने उनको पेमेंट नहीं करा। तो ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।